नमस्कार, आज की इस खास पेशकश में मैं ऐश्वर्या शिंदे आप सभी का स्वागत करती हूं, जहां आप देख रहे हैं देश प्रदेश और दुनिया से जुड़ी कुछ खास खबरें। महाराष्ट्र के हिंगोली के 22 साल के कैलाश पतंगे नाम के किसान ने हेलीकॉप्टर खरीदने के लिए बैंक में 6.6 करोड़ रुपए के लोन का आवेदन दिया है। तो राष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए भाजपा ने चुनाव व्यवस्थापन समिति बनाई है। 14 सदस्यों वाली इस समिति में महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री और बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव विनोद तावड़े और केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री भारती पवार को बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। वही विधान परिषद चुनावों को लेकर राज्य की राजनीति का पारा तेजी से ऊपर चल रहा है। इस बीच रेलवे के AC प्रथम श्रेणी में यात्रा कर रहे निर्दलीय विधायक किशोर जोरगेवार के दोनों फोन चोर उड़ा ले गए। तो उधर पंकजा ने ट्विटर पर अपना प्रोफाइल फोटो बदल दिया है। इस पर एक कमेंट है कि अब यह चेहरा शिवसेना में दिखाई देगा। प्रदेश की इन 5 बड़ी और खास खबरों को विस्तार से जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। महाराष्ट्र की हिंगोली के 22 साल के कैलाश पतंगे नाम के एक किसान ने हेलीकॉप्टर खरीदने के लिए बैंक में 6.6 करोड़ के लोन का आवेदन दिया है। उसने कहा कि खेती में अब कुछ बचा नहीं है, इसलिए वह हेलीकॉप्टर खरीद कर उसे किराए पर देगा और उससे अपनी जिंदगी बसर करेगा। कैलाश पतंगे के पास 2 एकड़ जमीन है। उसने गोरेगांव के एक बैंक से संपर्क किया और लोन के लिए आवेदन दिया है। पतंगे ने कहा कि बेमौसम बरसात, सूखा जैसी प्राकृतिक आपदाओं के कारण उसकी खेती हर साल बर्बाद हो जाती है। पिछले 2 साल से वह बड़ी मेहनत से सोयाबीन की खेती करता रहा है, लेकिन दोनों ही बार बेमौसम बारिश के कारण उसकी फसल बर्बाद हो गई और रिटर्न नहीं मिल पाया। फसल बीमा के पैसे भी पर्याप्त नहीं थे, जिसके कारण उसे अपनी ज़िंदगी बसर करने में मुश्किलों का सामना करना पड़ा है। पतंगे ने कहा कि किसान है तो क्या हमें भी बड़े सपने देखने चाहिए, इसलिए मैंने हेलीकॉप्टर खरीदने का फैसला किया है। उसने कहा कि इस बारे में बहुत सोचा, दूसरे बिजनेस में काफ़ी प्रतिस्पर्धा है, इसलिए मैंने हेलीकॉप्टर को किराए पर चलाने का फैसला किया। इसमें प्रतिस्पर्धा कम है और उसे भरोसा है कि इस व्यवसाय से उसे अच्छी आय होगी। अब उसे बैंक के जवाब का इंतजार है। शरद पवार द्वारा राष्ट्रपति चुनाव लड़ने से इनकार करने के बाद अब बीजेपी किसे अपना उम्मीदवार बनाती है, इस पर पूरे देश की निगाह टिकी हुई है। बीजेपी की तरफ से भी इस चुनाव के लिए तैयारियां तेज कर दी गई है। पार्टी ने इसके लिए चुनाव व्यवस्थापन समिति बनाई है। 14 सदस्यों वाली इस समिति में महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री और बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव विनोद तावड़े और केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री भारती पवार को बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। बता दें कि आगामी 18 जुलाई को देश में राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव होना है, जिसके लिए 29 जून तक नामांकन भरा जाना है। चुनाव ठीक ढंग से संपन्न हो सके, इसलिए व्यवस्थापन समिति का गठन किया गया है। विनोद तावड़े और CT राव को सहसंयोजक की जिम्मेदारी दी गई है। वही गजेंद्र सिंह शेखावत को समिति का अध्यक्ष बनाया गया है। समिति में केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी, अश्विनी वैष्णव, सर्वानंद सोनोवाल, केंद्रीय राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल, बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव CT राव, तरुण चुग, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष DK अरुणा, राष्ट्रीय सचिव ऋतुराज सिन्हा, महिला मोर्चा की राष्ट्रीय अध्यक्ष नवती श्रीनिवास के साथ राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा और आसाम के उपाध्यक्ष और सांसद राजदीप राय का समावेश है। सभी मित्र और विपक्षी दलों के नेताओं से बातचीत करने की जिम्मेदारी राजनाथ सिंह को दी गई है। विधान परिषद चुनावों को लेकर राज्य की राजनीति का पारा तेजी से ऊपर चढ़ रहा है। महाविकास आघाड़ी और बीजेपी अपने अपने प्रमुख नेताओं के साथ बैठक कर जीत की रणनीति बनाने में लगी है। प्रमुख राजनीतिक दलों ने अपने विधायकों को एक दूसरे से तोड़ने से बचाने के लिए उन्हें 5-स्टार होटलों की सेवा देनी शुरू कर दी है। 10वीं सीट के लिए बीजेपी के प्रसाद लाड और कांग्रेस के भाई जगताप के बीच कांटे की टक्कर की संभावना है। वैसे भाई को जीतने के लिए 10 अतिरिक्त विधायकों का समर्थन चाहिए, जबकि लाड को जीत के लिए 22 अतिरिक्त विधायक चाहिए। शिवसेना और NCP में किसी प्रकार की क्रॉस वोटिंग नहीं हुई है, तो दोनों के दो दो उम्मीदवार आसानी से जीत की नैया पार कर जाएंगे। पवई झील के किनारे वेस्टीन होटल में शिवसेना के विधायक पहुंच गए हैं। बीजेपी के विधायक ने ताजा प्रेसिडेंसी में डेरा डाल दिया है। विधान परिषद की 10 सीटों के लिए मतदान 20 जून को है। कुल 11 उम्मीदवार चुनाव मैदान में अपना किस्मत आजमा रहे हैं। इधर छोटे दल व निर्दलीय विधायक बीजेपी और कांग्रेस को बेहद प्रिय लगने लगे हैं। बीजेपी के आक्रामक रूप से महाविकास आघाड़ी सरकार में कांग्रेस ही नहीं बल्कि शिवसेना और NCP भी परेशान है। चूंकि मतदान प्रक्रिया गुप्त है, इसलिए सभी दलों को क्रॉस वोटिंग का डर है। रेलवे के AC प्रथम श्रेणी में यात्रा कर रहे निर्दलीय विधायक किशोर जोरगेवार के दोनों फोन चोर उड़ा ले गए। शुक्रवार की सुबह मुंबई पहुंचने के बाद जोरगेवार ने छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस रेलवे पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। साथ ही उन्होंने रेल मंत्री को भी पत्र लिखा। पुलिस में शिकायत के बाद उन्होंने मोबाइल कंपनियों में नए सिम कार्ड के लिए आवेदन कर दिया है।
वहीं पुलिस भी आरोपियों की पहचान के लिए स्टेशनों पर लगे सीसीटीवी कैमरे खंगाल रही है। पुलिस ने विश्वास जताया है कि आरोपी शीघ्र ही पकड़ में होगा, उसकी पहचान की जा रही है। इस बीच विधायक जोरगेवार ने बताया कि वे पंचायत राज के दौरे पर थे। दौरा खत्म होने के बाद उन्होंने पंढरपुर से मुंबई के लिए ट्रेन पकड़ी थी। रात को सोने के समय उन्होंने अपना मोबाइल फोन चार्जिंग में लगा दिया था। सुबह दोनों फोन गायब थे। विधायक के अनुसार पहले तो इधर उधर देखा नहीं, मिलने पर किसी दूसरे के फोन से अपने मोबाइल पर कॉल किया तो नंबर बंद मिला। तब एहसास हुआ कि फोन चोरी हो चुका है। जोरगेवार ने आश्चर्य व्यक्त करते हुए कहा कि उन्हें इसका कतई अंदाजा नहीं था कि रेलवे के एसी प्रथम श्रेणी से उनका फोन चोरी हो जाएगा, इसलिए निश्चिंत होकर सो गए। ऐसा कभी नहीं हुआ, इसलिए फोन को लेकर जरा से भी सतर्क नहीं रहे। वैसे भी एसी प्रथम श्रेणी में सुरक्षा को लेकर निश्चिंतता बनी रहती है। विधान परिषद चुनाव में टिकट न मिलने से एक तरफ जहां पंकजा मुंडे के समर्थक नाराज थे, वहीं दूसरी तरफ इस मुद्दे पर खुद पंकजा ने चुप्पी साध रखी थी। हालांकि सोशल मीडिया पर उनकी एक पोस्ट के बाद कमेंट्स की बाढ़ आई हुई है। दरअसल पंकजा ने ट्विटर पर अपना प्रोफाइल फोटो बदल दिया है। अपने नेता की नई ऊर्जा और आत्मविश्वास से भरपूर तस्वीर को देखकर कार्यकर्ताओं में भी काफी जोश है। लोकनेता ताई साहब, रणरागिनी जैसी कई प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है। इन्हीं में एक कमेंट है कि अब यह चेहरा शिवसेना में दिखाई देगा। बीजेपी नेता पंकजा मुंडे ने आज वो तस्वीर ट्विटर पर शेयर की है, उससे कुछ राजनीतिक संकेत भी मिल रहे हैं। नाराज होने के बावजूद पंकजा मुंडे भरपूर आत्मविश्वास के साथ दोबारा मैदान में युद्ध के लिए तैयार है, या फिर वो किसी अन्य मुहिम के लिए तैयार है। पंकजा के ट्वीट के बाद कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। विधान परिषद चुनाव में पंकजा मुंडे को बीजेपी ने टिकट नहीं दिया था, जिसके बाद से वो खामोश है। हालांकि उनके समर्थकों ने उनकी उपेक्षा के बाद मराठवाड़ा में जमकर विरोध प्रदर्शन किया था। पंकजा को उम्मीद थी कि उन्हें टिकट दिया जाएगा, लेकिन जब लिस्ट जारी हुई तो उन्हें सिवाय मायूसी के सिवा और कुछ भी हाथ नहीं लगा, जिसके बाद से पंकजा की एक भी प्रतिक्रिया सामने नहीं आई थी। इस दौरान पार्टी के नेता चंद्रकांत पाटिल, देवेंद्र फडणवीस सबने बातचीत की, लेकिन पंकजा ने अपना मौन नहीं तोड़ा। महाराष्ट्र की सियासत में पंकजा के इस मौन को उनकी नाराजगी समझा जा रहा है। अग्निपथ स्कीम के विरोध के बीच गृह मंत्रालय ने जानकारी दी है कि केंद्रीय पुलिस बलों और असम राइफल्स में अग्निवीरों को 10% का आरक्षण दिया जाएगा। तो भारतीय सेना के तीनों प्रमुखों ने देश भर में अग्निपथ स्कीम के नाम पर हो रहे विरोध प्रदर्शन को गलत बताया है और कहा है कि अधूरी जानकारी के कारण युवा इस योजना का विरोध कर रहे हैं। वहीं बिहार में लगातार चौथे दिन शनिवार को जहानाबाद, शेखपुरा समेत कई इलाकों में जमकर हंगामा देखने को मिला है। इस बीच पटना के जिलाधिकारी डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह ने उपद्रव को लेकर बड़ा खुलासा किया है। उनके मुताबिक गिरफ्तार किए गए प्रदर्शनकारियों के मोबाइल में कुछ कोचिंग सेंटरों के वीडियो फुटेज और व्हाट्सएप संदेश मिले हैं। तो उधर सेना भर्ती की तैयारी कर रहे ओडिशा के जिला बलासोर के रहने वाले एक युवक ने आत्महत्या कर ली है। अग्निपथ से जुड़ी देश भर की इन 5 बड़ी खबरों को विस्तार से जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। अग्निपथ स्कीम के विरोध के बीच गृह मंत्रालय ने बड़ा फैसला लिया है। गृह मंत्रालय ने जानकारी दी है कि केंद्रीय पुलिस बलों और असम राइफल्स में अग्निवीरों को 10% का आरक्षण दिया जाएगा। साथ ही गृह मंत्रालय ने सीएपीएफ और असम राइफल्स में भर्ती के लिए अग्निवीरों को निर्धारित ऊपरी आयु सीमा से 3 साल की छूट देने का भी फैसला किया है, जबकि अग्निवीर के पहले बैच को निर्धारित ऊपरी आयु सीमा से 5 साल की छूट मिलेगी। केंद्र ने पहले आश्वासन दिया था कि अग्निशामकों का भविष्य असुरक्षित नहीं है। हालांकि 4 साल बाद केवल 25% बल को बरकरार रखा जाएगा, क्योंकि बाकी को देश के अन्य बलों में भर्तियों में प्राथमिकता मिलेगी। असम, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और हरियाणा सहित कई भाजपा शासित राज्यों ने पहले ही घोषणा कर दी है कि वे अपनी राज्य पुलिस भर्ती में अग्निवीरों को प्राथमिकता देंगे। अग्निपथ के केवल 4 साल के लिए रोजगार प्रदान करने के कारण अग्निपथ के भविष्य पर चिंता व्यक्त की गई है। देशभर के कई राज्यों में इसको लेकर विरोध किए जा रहे हैं। खासकर तेलंगाना और बिहार में बड़े पैमाने पर हिंसा, आगजनी, रेलवे संपत्तियों को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। तेलंगाना में विरोध के बीच पुलिस फायरिंग में एक प्रदर्शनकारी की मौत हो गई है। विपक्षी दलों द्वारा अल्पकालिक भर्ती योजना की तीखी आलोचना हो रही है। भारतीय सेना के तीनों प्रमुखों ने देशभर में अग्निपथ स्कीम के नाम पर हो रहे विरोध प्रदर्शन को गलत बताया है और कहा है कि अधूरी जानकारी के कारण युवा इस योजना का विरोध कर रहे हैं। विरोध प्रदर्शन के बीच तीनों सेना के प्रमुखों ने इस योजना पर भरोसा जताया है और कहा कि सेना भर्ती की ये नई स्कीम युवाओं के हक में है।
उन्होंने कहा कि युवाओं को इस योजना को गहनता के साथ समझने की जरूरत है। बता दें कि देश भर में इस योजना के ऐलान के बाद से ही प्रदर्शन हो रहे हैं, जिसके बाद थल सेना प्रमुख मनोज पांडे ने कहा कि ये योजना युवाओं को देश सेवा का मौका दे रही है। वही उन्होंने अग्निपथ योजना के तहत ऊपरी आयु सीमा को 23 वर्ष तक बढ़ाने की केंद्र के फैसले की तारीफ भी की और कहा कि यह कदम उन युवाओं को मौका देगा जो सेना में शामिल होना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि जो लोग प्रदर्शन कर रहे हैं उन्हें इस योजना की पूरी जानकारी नहीं है। ये स्कीम न केवल युवाओं के लिए बल्कि देश की तीनों सेनाओं के लिए लाभकारी है। नौसेना प्रमुख एडमिरल आर हरिकुमार ने कहा कि इस तरह की हिंसक घटनाएं और प्रदर्शन होने ही नहीं चाहिए। इस योजना पर हमने लगभग 1.5 साल तक काम किया है। इस स्कीम से किसी के भी अवसर कम नहीं होंगे। वायुसेना के प्रमुख वीआर चौधरी ने बताया कि इस योजना से इससे अधिक अवसर खुलेंगे। गलत सूचना और योजना की गलतफहमी के कारण विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। बिहार में लगातार चौथे दिन शनिवार को जहानाबाद, शेखपुरा समेत कई इलाकों में जमकर हंगामा देखने को मिला है। इस बीच छात्र संगठनों ने बिहार बंद बुलाया है, जिसका मिला जुला असर देखने को मिल रहा। विपक्षी दलों आरजेडी समेत कई दलों ने भी बंद का समर्थन किया है। शुक्रवार को भी प्रदर्शनकारियों ने राज्य के अलग अलग जिलों में जमकर उत्पात मचाया था। उपद्रवियों ने 60 से अधिक कोचों और 10 रेल इंजनों में आग लगा दी थी। कई ट्रेनों को रद्द कर दिया गया, जिससे यात्रियों को भी काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ा। यात्री सुरक्षा के मद्देनज़र 214 मेल एक्सप्रेस पैसेंजर ट्रेनों का परिचालन रद्द करना पड़ा। 78 ट्रेनों पर आंशिक असर पड़ा। इसी तरह 12 ट्रेनों को रीशेड्यूल कर चलाया गया, जबकि एक ट्रेन का परिचालन बदले हुए रूट से किया गया। इसके चलते हजारों यात्री अपनी यात्रा प्रारंभ नहीं कर सके। इन यात्रियों में छात्र, मरीज भी शामिल थे, जिन्हें धरना प्रदर्शन के कारण अपनी यात्रा स्थगित करनी पड़ी। इसी कड़ी में मालगाड़ियों का भी परिचालन प्रभावित रहा। जानकारी के मुताबिक उपद्रवियों ने पिछले 2 दिनों में दानापुर मंडल में 50 बोगी और 7 इंजन में आग के हवाले कर दिया। इस दौरान रेलवे स्टेशन पर कई सिग्नल को भी क्षतिग्रस्त किया गया। उपद्रव की वजह से करीब 60 करोड़ का टिकट रिफंड करना पड़ा। अकेले दानापुर मंडल में कुल मिलाकर करीब 216 करोड़ रुपये के नुकसान अनुमान है। अग्निपथ पर बिहार बंद को लेकर राजधानी पटना में प्रशासन काफी सतर्क दिख रहा है। सुबह से ही शहर के खास चौक चौराहों को छावनी में बदल दिया गया है। राजधानी के डाक बंगला चौराहे पर भारी पुलिस बल की तैनाती की गई है। वहीं पटना जंक्शन और राजेंद्र नगर टर्मिनल पर भी भारी फोर्स की तैनाती की गई है। इस दौरान पटना के SSP मानवजीत सिंह ढिल्लो और DM चंद्रशेखर सिंह खुद सड़कों पर गश्त लगाते नजर आए। जिलाधिकारी ने अपील की है कि कोई भी प्रदर्शनकारी कानून को हाथ में न ले, लेकिन अगर अपील के बाद भी ऐसा किया गया तो प्रशासन उनके साथ सख्ती से निपटेगा। इसी बीच पटना DM चंद्रशेखर सिंह ने बड़ा खुलासा किया है। इस बीच पटना के जिलाधिकारी डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह ने उपद्रव को लेकर बड़ा खुलासा किया है। उनके मुताबिक गिरफ्तार किए गए प्रदर्शनकारियों के मोबाइल में कुछ कोचिंग सेंटरों के वीडियो फुटेज और व्हाट्सएप संदेश मिले हैं। उन फुटेज और मैसेज के आधार पर कोचिंग सेंटरों की भूमिका की जाँच की जा रही है। कोचिंग संस्थानों के शिक्षक छात्रों को बरगलाए पाए गए हैं, यहां तक कि उन्होंने उपद्रव के लिए उकसाया भी। DM चंद्रशेखर सिंह ने कहा कि जांच में अगर आपत्तिजनक तथ्यों की पुष्टि होती है तो कोचिंग संस्थानों के संचालकों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। सेना भर्ती की तैयारी कर रहे ओडिशा के जिला बालासोर के रहने वाले एक युवक ने आत्महत्या कर ली। बताया जा रहा है कि भर्ती के लिए लिखित परीक्षा रद्द होने के बाद उसने ऐसा कदम उठाया। वही युवक के पिता ने आरोप लगाया है कि अग्निपथ योजना की घोषणा के बाद सेना ने लिखित परीक्षा रद्द कर दी, जिसके कारण मेरे बेटे ने यह कदम उठाया। बुधवार की रात उसने फांसी लगाकर जान दे दी। केंद्र की अग्निपथ भर्ती योजना के खिलाफ कटक सहित ओडिशा में कई जगहों पर विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए हैं। बालासोर जिले के सोरो के तेंतई गाँव के रहने वाले व्यक्ति की पहचान धनंजय मोहंती के रूप में हुई है। धनंजय भारतीय सेना में शामिल होने के लिए कड़ी मेहनत कर रहा था। धनंजय के दोस्त पिता बस राज ने कहा कि हम पिछले 4 साल से सेना में भर्ती होने की तैयारी कर रहे हैं। धनंजय ने 1.5 साल पहले फिजिकल फिटनेस टेस्ट पूरा किया था, उसकी लिखित परीक्षा होने वाली थी। हालांकि लिखित परीक्षा को COVID-19 को देखते हुए कई बार स्थगित किया गया था। अंत में अग्निपथ योजना के कारण इसे रद्द कर दिया गया। हमें इससे बहुत ज़्यादा उम्मीद थी कि क्योंकि हम पहले ही आयु सीमा पार कर चुके हैं। व्हाट्सएप समूह के माध्यम से पता चला कि UP, बिहार और कोलकाता के कई युवाओं ने आत्महत्या कर ली है। यह सब देखकर उसका मानसिक संतुलन बिगड़ गया और कल रात उसने यह कदम उठा लिया। घटना से पहले उसने हमें एक मैसेज भेजा था, इस सरकार पर भरोसा मत करो और उन्हें कभी वोट मत दो।
यूक्रेन युद्ध के बीच ईरान से जुड़े एक रहस्यमय विमान के अमेरिका के करीब स्थित वेनेजुएला और रूस तक की यात्रा करने से बवाल मच गया है। तो अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में गुरुद्वारा कारते परवान पर भीषण हमला हुआ है। हमले में कई लोग मारे गए हैं। वहीं पाकिस्तान को एक बार फिर करारा झटका लगा है। FATF में चीन, तुर्की और मलेशिया समेत दुनिया के कई देशों की नापाक कोशिशों के बाद भी पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में नहीं निकल पाया। इस बीच अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बिल क्लिंटन ने अमेरिका के एलियन अभियान पर बड़ा खुलासा किया है और उन्होंने कबूल किया है कि उन्होंने एलियंस की खोज के लिए अमेरिकी सैनिकों को भेजा था। तो उधर थाईलैंड के किसान अपनी मुर्गियों को भांग खिला रहे हैं। माना जा रहा है कि इससे मुर्गियों को होने वाली बीमारी से बचाया जा सकता है। दुनिया भर की इन पांच और खास खबरों को विस्तार से जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। यूक्रेन युद्ध के बीच ईरान से जुड़े एक रहस्यमय विमान के अमेरिका के करीब स्थित वेनेजुएला और रूस तक की यात्रा करने से बवाल मच गया है। यह विमान अर्जेंटीना पहुंचा था, जहां उसे जब्त कर लिया गया है। अधिकारी इस बोइंग 747 विमान की जांच कर रहे हैं। संदेह है कि इस विमान के जरिए जासूसी की जा रही थी। चालक दल के 19 सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया गया है, जिसमें 5 ईरानी है, और संदेह है कि ये लोग ईरानी सेना के कुद्दुस फोर्स के सदस्य हो सकते हैं। कुद्दुस फोर्स पर विदेशों में इजराइल और अन्य देशों के खिलाफ कई गुप्त हमले करने के आरोप है। ईरान के असंतुष्ट लोगों ने चेतावनी दी है कि इस विमान को हिरासत में लिया जाना इस बात का सबूत है कि ईरानी प्रशासन राज्य प्रायोजित आतंकवाद को अमेरिका और उसके करीबी देशों तक फैला रहा है। ईरान के बारे में संदेह है कि वह वेनेजुएला जैसे देशों को हथियार मुहैया कराता है। हालांकि पकड़े गए विमान से कोई हथियार नहीं मिला है। इस विमान के फ्लाइट डेटा से पता चला है कि यह रूस की राजधानी मॉस्को से उड़ा था और ईरान की राजधानी तेहरान तक गया था। इसके बाद यह वेनेजुएला के काराकस शहर गया था। यह विमान कम से कम 3 बार वेनेजुएला गया था और वह बेलग्रेड और मैक्सिको में भी रुका था। इस विमान पर कुछ कलपुर्जे लदे थे। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में गुरुद्वारा कारते परवान पर भीषण हमला हुआ है। शुरुआती खबरों में कहा जा रहा है कि हमले में कई लोग मारे गए हैं। सिख गुरुद्वारे के आसपास के इलाके में गोलियों की तड़तड़ाहट सुनी जा रही है। कई धमाकों की आवाजें भी सुनी गई है। विस्फोट की वजह से आसमान में धुआं देखा जा रहा है। अभी तक तालिबान की ओर से कोई बयान नहीं आया है। गुरुद्वारे के अंदर भी 2 धमाके हुए हैं। गुरुद्वारे के अंदर 15 से ज़्यादा लोग अभी फंसे हुए हैं। बताया जाता है कि गुरुद्वारे के गेट के बाहर सबसे पहले विस्फोट हुआ, जिसमें कम से कम 2 अफगान लोग मारे गए। इसके बाद गुरुद्वारे के अंदर 2 विस्फोट हुए। इस हमले की चपेट में गुरुद्वारे से सटी सिखों की कुछ दुकानें भी आ गई और उनमें आग लग गई। 2 हमलावर अभी गुरुद्वारे के अंदर मौजूद है और तालिबानी सुरक्षाकर्मी उन्हें जिंदा पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। तालिबानी सुरक्षा बलों ने हमले पर कोई टिप्पणी नहीं की है। इस गुरुद्वारे के आसपास बड़ी संख्या में सिख लोग रहते हैं। इससे पहले भी इस गुरुद्वारे पर कई बार भीषण हमले हो चुके हैं। पिछले साल अक्टूबर के पहले हफ्ते में ही काबुल के इस गुरुद्वारे में कुछ हथियारबंद लड़ाके जबरन दाखिल हो गए थे। उन्होंने सुरक्षा में तैनात गार्ड्स को हिरासत में लिया और CCTV कैमरों को तोड़ डाला था। पाकिस्तान को एक बार फिर करारा झटका लगा है। FATF में चीन, तुर्की और मलेशिया समेत दुनिया के कई देशों की नापाक कोशिशों के बाद भी पाकिस्तान ग्रे लिस्ट से नहीं निकल पाया। FATF की ग्रे लिस्ट में बने रहने से कंगाल पाकिस्तान को अरबों डॉलर का नुकसान उठाना पड़ रहा है। FATF ने एक दल भेजने का ऐलान किया है, जो पाकिस्तान के उठाए गए कदमों की जाँच करेगा। FATF का दल पाकिस्तान जाएगा और मौके पर जाकर यह जाँच करेगा कि पाकिस्तान ने जो दावा किया है वह ठीक ढंग से पूरा हुआ है या नहीं। विशेषज्ञों ने कहा कि तकनीकी विशेषज्ञ जांच भले करेंगे, लेकिन ग्रे लिस्ट से निकालने का अंतिम फैसला राजनीतिक होगा, जो अमेरिका लेगा। अमेरिका को अगर लगता है कि उसके संबंध पाकिस्तान से अच्छे हो गए हैं और उसे निकालना चाहिए, तो पाकिस्तान ग्रे लिस्ट से बाहर हो जाएगा। वही अगर अमेरिका को लगता है कि अभी पाकिस्तान पर दबाव बनाए रखने की ज़रूरत है, तो यह FATF की तकनीकी मिशन अपनी रिपोर्ट पाकिस्तान के खिलाफ भी दे सकता है। विशेषज्ञों के मुताबिक पाकिस्तान के ऊपर अभी भी तलवार लटक रही है। माना जा रहा है कि पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से निकालने के पाकिस्तान के राष्ट्रपति उसे माफी दे दे या फिर सुप्रीम कोर्ट राहत दे दे। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बिल क्लिंटन ने अमेरिका के एलियन अभियान पर बड़ा खुलासा किया है और उन्होंने कबूल किया है कि उन्होंने एलियंस की खोज के लिए अमेरिकी सैनिकों को भेजा था। अमेरिका के बारे में पहले से ही दावे होते रहे हैं कि अमेरिका ने एलियंस को पकड़ रखे हैं। इजरायली खुफिया एजेंसी के पूर्व प्रमुख भी दावा कर चुके हैं कि अमेरिका ने एलियंस को पकड़ रखा है और एरिया 51 में रखा है। और अब बिल क्लिंटन ने कहा है कि उन्होंने अमेरिकी सैनिकों को एलियंस की तलाश में भेजा था।
बिल क्लिंटन के इस बड़े कबूलनामे का खुलासा अमेरिकी संसद की नई रिपोर्ट में की गई है, जिसमें अमेरिका के एलियन अभियान को लेकर कमेटी बनाई गई है। अमेरिकी कांग्रेस की नई ग्रहों पर जीवन की तलाश को लेकर नई रिपोर्ट में खुलासा किया गया है कि पूर्व राष्ट्रपति बिल क्लिंटन ने स्वीकार किया कि उन्होंने एलियंस की तलाश के लिए अमेरिकी एजेंटों को एरिया 51 में भेजा था। बता दें कि एरिया 51 एक अमेरिकी वायुसेना का एक अड्डा है जो अज्ञात उड़ान वस्तुओं जैसे UFO आदि से जुड़ा है। हालांकि सैन्य स्थापना के आसपास विदेशी जीवन का अस्तित्व कभी साबित नहीं हुआ है, लेकिन अमेरिका समेत पूरी दुनिया में ये काफ़ी मशहूर हो चुका है कि इसी एरिया 51 में अमेरिका एलियंस पर रिसर्च करता है। इजरायली खुफिया एजेंसी के पूर्व प्रमुख ने भी दावा किया था कि अमेरिका ने एलियन को पकड़कर एरिया 51 में रखा है और उस पर रिसर्च कर रहा है। थाईलैंड में भांग की खेती को लीगल कर दिया गया है। हालांकि इसके लिए सरकार से लाइसेंस लेना पड़ता है, लेकिन अब कहा जा रहा है कि एंटीबायोटिक्स से बचाने के लिए थाईलैंड के किसान अपनी मुर्गियों को भी भांग खिला रहे हैं। ऐसा माना जा रहा है कि इससे मुर्गियों को होने वाली बीमारी से बचाया जा सकता है। एक रिपोर्ट के अनुसार थाईलैंड के उत्तरी इलाके में रहने वाले एक किसान को भांग की खेती करने का लाइसेंस मिला हुआ है। वह सोच रहा था कि उसके द्वारा एकत्र की गई कई अतिरिक्त भांग की पत्तियों का क्या किया जाए। अचानक उसे अपनी मुर्गियों के चूजों को इन पत्तियों को खिलाने का ख्याल आया। उसने बाकी बची हुई भांग को मुर्गियों को खिला दिया। जब यह बात चियांग माई विश्वविद्यालय के शिक्षाविदों को पता चली तो वह भी इसके प्रयोग के लिए उत्सुक हो गए। उन्होंने जब मुर्गियों के चारे या पानी में भांग मिलाया तो चौंकाने वाले रिजल्ट थे। इसके बाद उन वैज्ञानिकों के कहने पर ही कई किसानों ने पॉट पोल्ट्री प्रोजेक्ट शुरू किया है। किसानों ने बताया कि उन्होंने अपनी मुर्गियों को एंटीबायोटिक्स लगवाए थे, उसके बाद भी मुर्गियों को एवियन ब्रोंकाइटिस नाम की बीमारी हो गई, लेकिन जब से मुर्गियों को पॉट पोल्ट्री प्रोजेक्ट के तहत भांग वाली डाइट पर रखा तो अप्रत्याशित परिणाम सामने आने लगे। प्रोजेक्ट एक्सपेरिमेंट में 1000 से ज्यादा मुर्गियों को अलग अलग मात्रा में भांग की डोज दी गई। तो आज की इस खास पेशकश में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे, तब तक देखते रहिए VKB News। नमस्कार।